आया नहीं है तो एन के लग पड़ा देखने का था कौन लेनी कौन सी चाहिए अभी पकड़ हाँ अभी डरने लगा सुटिया नहीं है बड़ी सॉफ्ट सी स्किन होती सप दी यार यार काफी दिनों से सोच रहा था मैटिंग डालने की तो अभी हम लगाने लगे इसमें 70 मैट्स चलो यार गाइस हो गया मैटिंग डन इतना से काम होता है मैटिंग दिखने जिदे बड़े स्वाद दे लगा रहे हैं नहीं एक दिन क्या कर दिखने जिदे बड़े स्वाद दे लगा रहे हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब लोग आए आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे तंदुरुस्त भी होंगे है ना हाँ होंगे बिल्कुल होंगे तो गाइस आज आपका भाई जा रहा है कॉलेज में तो क्योंकि मेरे ऑनलाइन एग्जाम भी स्टार्ट हो गए थे तो उसका भी एक पंगा था इसलिए ये बात तो मैंने आपको बताया नहीं एग्जाम वाली पिछले कि किस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था तो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो ये कल के मैंने एग्जाम दे दिया हुआ ऑनलाइन सबमिट कर दिया हुआ ऑनलाइन ठीक है उनको सेंड कर दिया मेल कर दिया लेकिन चक्कर ये है कि अब इसको सबमिट भी करना है जाके ये देखो सारा कितना लिखा आपके भाई ने कितना पढ़ता होगा भाई देखो ज़्यादा पेज लिखे हुए हैं तो अब ये जाना है ये सबमिट करवाना है कॉलेज में उसके बाद और एक दो जो भी काम होगा जो भी है रास्ते में करेंगे वो आपको हम दिखा देंगे तो अभी जा रहा हूँ पहले मैं साथ में जा रहा अभी पता ही होगा आपको जो ज़्यादा पुराने उनको पता होगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले आया था अब काफ़ी देर हो गई वो आया नहीं है अभी तो कह रहा था एक दिन उनको पूछ रहा था फ़ोन करके कि जाना है कॉलेज जाना है तो आज उसको मैंने बोला मैं चल चलते हैं साथ में काम करा लूँगा अपना तो बस वो आ रहा साथ में तो चलते हैं अभी तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक लेट्स गो तो गाइस ये लोंडा आ गया देख लो क्या हाल है ठीक है हाँ ठीक है नहीं बस बढ़िया बड़ा स्मार्ट लग रहा है आया नहीं है तो एन के लग पड़ा देखने का था कौन लेनी कौन सी चाहिए अभी ये वाली या ये वाली मैं जो तेरा मन करे ऑटो करने लगा और देखा पहले आई डेट शीट तो गाइस यार कॉलेज का कुछ सीन ऐसा हो गया कि कॉलेज में जो हार्ड कॉपी जमा करवानी थी वो सिस्टम है कि सभी पेपर्स के बाद जमा करवानी है जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे एक पेपर तो मेरा मई 12 को जाके है ना तो बाकी एक दे दिया कल हो गए दो का पता लग गया अब तीसरा शायद से 11 को है इस वाले महीने में अब चौथे का नहीं पता तो वही डेट शीट भाई एक सेंड कर रहा था देखते हैं अब क्या सीन बनता है कब का पेपर अब सारा वो कॉलेज का जाना होगा कैंसिल अब देखते हैं क्या स्कीम बनती है तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा सिटी वाली साइड ही देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है तो भाई पहुंच गया अच्छू भैया के पास तो कोई काम नहीं कोई कुछ नहीं है देखो तेरे भूषण भैया एक बाइक पे लगे ये इधर टेपिंग करने में लगे हैं कोई काम नहीं रहा इनको बस यही है अब टेपिंग शेपिंग है वो गर्मी आ गई अब काम खत्म कश्मीरी सारे चले जाते हैं यहाँ से जब मैं देखो महाराज सर जनावर कि तू पहले लगे थे मेहनत कर तो गाइस यार आओ यार भाई के पास ना इतने धूप में लगे हैं परसे हो गए हैं अब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इनका बता रहे हैं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो बता रहे थे मेरे को तो इसकी स्विफ्ट की कोई आया टेप शेप करवा रहे थे तो गाइस ये देखो उसमें अजगर ओ भाई साहब पकड़ हाँ अभी डरने लगा सुटिया नहीं है अभी गले पाई ले भूषण भैया पकड़ लोगे आप अथलाम है बड़ी सॉफ्ट स्किन होती सप दी यार ओहो डर लगता यार डर तो लगता ही है कुछ ले जा उपरा पिछे कर जहर निकाला है गाइस लेकिन डर तो लगता ही यार सांप सांप होता है डर नहीं लगा बोले डर नहीं लगा गड्डी जो कुड़ियां जा रही है इसके लगी बड़े हरामी हो बेटा नहीं जंदा कुदै नहीं जंदा नहीं बल्ले टुरने कुछ ही करा है अच्छा ही गंढ लाए ले इन्हें चंगा मोटा है नहीं है
बाबा जहर कैसे निकाला होता है इसका? जड़ी ये अपनी जीभ जीभ से जब बाहर निकालता है सूंघता है ना, भले गले पा बनी है बोल शंकर सर क्या हाल है आपके? ठीक हो? हथियार पकड़ा आपने? और बताओ कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी बड़े दिनों बाद दिख रहे हो यार। जिम आपकी दिन की जिम और हमारी शाम की ठीक हो? बढ़िया से। आप शाम को जाते हो? हाँ। मैं सुबह जाता हूँ यार, काम खत्म कर लेता सुबह। आज कौन सा व्लॉग चल रहा है? ऐसे ही यार बना रहे थे। हाँ और ठीक हो? बढ़िया, ठीक है, मिलेंगे कोई नहीं। ओके यार, काफी दिनों से सोच रहा था मैटिंग डालने की, तो अभी हम लगाने लगे हैं इसमें 7D मैट्स, फ्लोर मैट। कप बनेगा ना इनका? बस फिर ठीक है, मिट्टी नीचे आए तो क्या फायदा उस चीज का। यानी क्या चीज, शेर भी लगाया इसमें, देखना इधर। क्वालिटी तो ठीक लग रही है, अब चला के पता चलेगा कितनी देर चलेंगे। तो लो भाई देखो, लगे हैं इंस्टॉल होने। हाँ हाँ भाई दस्त है, इंस्टॉल तो हो रहे हैं, अब देखते हैं कैसे लगते हैं डाले हुए। तो गाइस मैटिंग डाल दी है, पीछे वाली दिखाता हूँ, ये पीछे से हो गया पूरा, वहाँ तक पूरा कवर हो गया ये। चलो पहले वाले ऐसे ही रूलते, पीछे वाले ऐसे रूल रहे रहते थे, इधर उधर मिट्टी सारी, नीचे भी मिट्टी निकालनी, वैक्यूम करना है इसको पीछे से, क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, इसको एक बार निकालना पड़ेगा घर पे जाके। फिर इसका मिट्टी निकालने के बाद फिर ये डालूंगा ना अच्छे से, फिर टेंशन फ्री हो जाऊँगा, टेंशन पड़ी रहेगी। यहाँ से पूरा जुड़ गया लेकिन ये चिपका नहीं है, बस इतना ही है ना काम है बाकी। मैं तो इस साइड कुछ लाइन सा बना है, ऊपर लिखा भी है टेक मैट 5TM। इस साइड वाला मेरे को लग रहा सही आया, अब सीट आ गई है इसका, इसलिए लग रहा है। चलो चेक करता हूँ पूरा, फिर देखते हैं। चलो यार गाइस हो गया मैटिंग डन, इतना सही काम होता है मैटिंग का, ठीक लग रहे हैं अब, अच्छे लग रहे हैं, नीचे साफ सुथरी दिखेगी थोड़ी देर और क्या, फिर काम सेट होगा। तो चलो अब निकल रहा हूँ यहाँ से, देखते हैं बाकी क्या सीन बनता है। तो भाई लगी थी हमें थोड़ी भूख, कहता नान खाना है, मैं तो इधर आया नहीं कभी खाने, आज पहली बार आया हूँ खाने, इसने बोला इधर सही बनाते हैं, तो चलो वेट करते हैं नान का जब आता है, तो देखते हैं कितने सही बनाते हैं। दिखने जिदे बड़े स्वाद नहीं लगा रहे हैं, एक देखा कर, दिखने जिदे बड़े स्वाद नहीं लगा रहे हैं, दिखने खाइए दिखने किन्ना स्वाद आता। तो गाइस हो गया डन, चलो चलते हैं अभी यहाँ से, निकल गया वहाँ से, तो चौड़े अभी हम गढ़ वाली साइड, इसको छोड़ूंगा फिर जाऊंगा घर पे, रेस्ट करूंगा थोड़ी देर, देखते हैं अब और क्या होता है अब आगे। क्या कर रहे हैं, देखो ना कितनी स्पेस बची यहाँ पे, टच होते होते बची है मेरे ख्याल से, ये इसके घर का रास्ता है छोटा सा। निकल गए ये हो गए गाइस यार, अब इसको छोड़ने, अब इसको छोड़ेंगे अभी हम, तो आज फिर जाएंगे अब गढ़ पे, देखेंगे क्या प्रोग्राम है बाकी का शाम तक। आज शाम को ग्रही करने जाना यार, सच मैंने कल नहीं गया था, कल मैं रेस्ट पे था, पेपर था मेरा, तो इसलिए कल नहीं जा पाया, आज जाना है। छोड़ दिया मैंने, कहता गर्मी बड़ी है, भाग भाग के जा रहा है, जूस पीते तो चलता हूँ मैं भी घर पे यार। तो गाइस पहुंचे घर पे, गाड़ी थोड़ी पीछे लगानी पड़ी है धूप में, क्योंकि आगे चल रहा काम वहाँ पे, कोई भरोसा नहीं है कि ईंट आगे गिरे, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैंने इसको पीछे करके लगा दिया, थोड़ी धूप में रहेगी कोई बात नहीं, छाया आ जाएगी इस पेड़ की थोड़ी देर में, और चलता हूँ अभी रेस्ट करता हूँ अंदर, फिर देखते हैं शाम का क्या प्लान बनता है। तो गाइस यार मैं आ रहा था नीचे, मेरी OTG रह गई थी इसके पास, तो इसको मैंने कॉल किया, तो अभी OTG देने, OTG लेता हूँ यार, पहले बड़ा जरूरी डाटा मैंने ट्रांसफर करना है। बंद कर गाना, अभी जा रहा हूँ मैं ग्राई करने, कॉपी वगैरह ले लिया, पेन वगैरह ले लिया, तो अब ज़्यादा शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि अब करते करते मेरे को अंधेरा हो जाएगा,
तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और ड्रामा के साथ वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू।